हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम सीखेंगे कि रिएक्ट जेएस में टाइपिंग मास्टर कैसे बनाते हैं। आपको पता है टाइपिंग मास्टर यह होता है कि हम जितने भी वर्ड लिखते हैं 1 सेकंड में वो काउंट करता है कि आपने इतने वर्ड किए हैं लिखे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है रिएक्ट जेएस। अगर आप सीखते हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको ये लाजमी टास्क करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप जाते हैं किसी जगह इंटरव्यू देने तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे और भी जो रिएक्ट जेएस के जो बिगनर है, जो रिएक्ट जेएस की फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें जाके जितने भी मैंने टास्क किए हैं वो टास्क कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट ने इस वक्त मार्केट में धूम मचा दी है। चलिए, ये किस तरीके से काम करेगा मैं बिल्कुल जो आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से ही करके दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं इस तरीके से काम करेगा, जैसे वर्ड भी काउंट कर रहा है, तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, हमारा कोड जो है उसमें चलते हैं। तो दोस्तों, हम हमारे कोड में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट यूआई बना दिए और कुछ भी नहीं बनाया, फंक्शनली कोई भी नहीं लगाई है, बस यूआई बनाई है। यूआई आप देख सकते हैं, और मैंने यूआई के लिए यूज किया है प्राइम रिएक्ट, जैसे कि हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं इस तरीके से एक प्राइम रिएक्ट भी है। तो मैंने इंपोर्ट किया इनपुट टेक्स्ट, जो ये इनपुट फील्ड है। इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोल सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल ये है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये सर्कल है नोब। ये मैंने भी प्राइम रिएक्ट से इंपोर्ट किया है। प्राइम रिएक्ट एक मटेरियल यूआई की तरह लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप की तरह लाइब्रेरी है, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट यूआई है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको फंक्शनलिटी सीखनी है कि किस तरीके से फंक्शनलिटी लगती है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं। अभी देखें कुछ भी नहीं है, ये काम नहीं करेगा। देखें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने यूआई बनाई है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हुआ आपका, इसलिए मैंने। ठीक है, अब हम कर चलते हैं हमारी जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट काउंट करेंगे, कितने टेक्स्ट हमने लिखे हैं। तो ये सारी चीजें पहले इनपुट फील्ड के लिए एक हम फील्ड बना देते हैं कि अल्फाबेट जो भी लिखेंगे वो शो करें। यहाँ सॉरी, यहाँ यूज स्टेट करके एक हम फील्ड बना देते हैं। जैसे किसके अल्फाबेट के नाम से, ठीक है, अल्फाबेट के नाम सेट अल्फाबेट, और ये मैं कर देता हूँ इसको 0, सॉरी ब्लैंक। सेट अल्फाबेट को करता हूँ कॉपी, और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमारी वैल्यू है इसको, क्योंकि इनपुट फील्ड ये है ना, तो इस पे मैं देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ लगाता हूँ ऑन चेंज, ठीक हो गया। और यहाँ लगेगा हमारा एक इवेंट, एक फंक्शन लगेगा, सेट अल्फाबेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, जो कौन सा, अच्छा यूज स्टेट को हमने इम्पोर्ट नहीं किया है, चलिए इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लिया, आप देखें सही है बिल्कुल। और अब हम यह क्या यूज करेंगे कि एक फंक्शनिटी लगा देते हैं कि जिससे कि वर्ड हमारे काउंट करें कि वर्ड कितने हमने लिखे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे कि सपोज काउंट वर्ड के नाम से एक मैं यूज स्टेट बना लेता हूँ। यूज स्टेट, ठीक है, काउंट, ठीक हो गया। और यहाँ मैं कर देता हूँ जो काउंट होगी ना, वो क्या होगी, अल्फाबेट काउंट होगी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि अब क्या है, इसकी स्टेट में ये अल्फाबेट पड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ बन यूज इफेक्ट में, क्योंकि ये साइड इफेक्ट होगा हमारा, यूज इफेक्ट इंपोर्ट कर लिया, और इसको करते हैं हम, ठीक हो गया। अब क्या है, हमारे जो काउंट है उसमें क्या है, वैल्यू पड़ी है। वैल्यू कौन सी पड़ी है कि सपोज जो हम लिखेंगे वो शेयर इसमें डेटा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ सेट काउंट को, इसके अंदर जो हमारा अल्फाबेट है, ठीक है, जो अल्फाबेट हम जो भी लिखेंगे वो इसमें शो होगी, तो
अल्फाबेट इसको भी मैं कॉपी कर लेता, सॉरी, ये अल्फाबेट डॉट स्प्लिट मेथड एक है एरे का, स्ट्रिंग का, ठीक है। तो उसको, और इसमें आपको क्या करना है, स्पेस देनी है बीच में, ठीक है, क्योंकि ये स्प्लिट करेगा वर्ड में करेगा, वरना ये लेटर में करता है, ठीक है। ये हो गया, और यूज इफेक्ट में ये आ गई हमारी डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। और एरे में हम क्या देंगे, काउंट देंगे, क्योंकि ये जो काउंट है ये करेगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस जो ये काउंट है इसको शो कराएंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे मैं शो कराता हूँ काउंट, वर्ड काउंट, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ काउंट, अब देखते हैं क्या शो होता है, देखें ये शो हो रहा है, क्योंकि अब काउंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि इस काउंट डॉट लेंथ करेंगे, टोटल वर्ड कितने हैं, ठीक है, वो काउंट करें। एक हो गया, अब देखें दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये स्पेस दिए, अगर स्पेस ना देते तो क्या होता, ये देख लें आप, देखें एक टी जो भी हम लिखेंगे वो शो करता जाएगा, तो इसलिए स्पेस देते हैं कि वर्ड में काउंट करता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे, टाइमर लगाएंगे ऊपर, ये टाइमर है ये चले। ये टाइमर कैसे लगाएंगे, हम यूज करते हैं एक और स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे, यूज स्टेट के नाम से, ठीक है, यहाँ देखते हैं टाइमर, ठीक हो गया। टाइमर जो हमारा बाय डिफॉल्ट रखते हैं 0, और यहाँ यूज करेंगे यूज मेमो। अब आप परेशान होंगे यूज मेमो क्यों यूज कराऊँ, भाई यूज मेमो इसलिए यूज कराऊँ कि ये जो रेंडर करता है बिफोर, यूज इफेक्ट जो होता है ना वो आफ्टर द रेंडर करता है, यूज मेमो होता है बिफोर द रेंडर, डॉम जैसे अपडेट होता है उससे पहले ये चल जाता है, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे और इसके अंदर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट सेट टाइम करते हैं पहले 0, सॉरी कितने सेकंड रखते हैं, 60 सेकंड रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यूज करेंगे सेट इंटरवल, एक फंक्शन है बिल्टन, कॉल बैक फंक्शन है सेट इंटरवल, ठीक हो गया। इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर सेट टाइम, इसमें क्या हम रखेंगे कंडीशन, सेट इंटरवल के अंदर सपोज हम पहले सेट टाइम जो हमारा है इसको हम करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं, प्लस डिक्रीमेंट प्लस इजिकल टू 1 माइनस, सॉरी, क्योंकि हम जो हमारे सेकंड होंगे 60 होंगे उससे नीचे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, तो माइनस इक्वल टू 1, ठीक हो गया इस तरीके से, सही है। अब हम क्या करेंगे कि सेट टाइम की जो वैल्यू है वो फिक्स करेंगे, वैल्यू रखते हैं 0। अगर 0 जब हो जाए तब क्या करें, सेट जो हमारा एक क्लियर इंटरवल होता है वो भी एक फंक्शन है, बिल्टन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, वो क्लियर इंटरवल कर लेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सही हो गया, यहाँ पे हम देंगे सेकंड, ठीक है, 1000 सेकंड, मैंने 1000 नैनो सेकंड में 1 सेकंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे हमारा जो और इसके अंदर हम करेंगे सेट टाइमर को, ठीक है, सेट टाइमर कहाँ गया, अच्छा ये आ गया, सेट टाइमर जो है इसके अंदर करेंगे सेट टाइम। सेट टाइम कौन सा है, ये जो टाइम है ना ये, इसको टाइम को हम इसमें पास करें क्योंकि हमें ये टाइमर चाहिए, इसको कर लेते हैं कॉपी। सपोज कहाँ रखा है हमें टाइमर वैल्यू, ठीक है, यहाँ हम देते हैं टाइमर, सही हो गया। अब देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है,
नहीं काम कर रहा है, देखते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा, देखें टाइमर आ गया। सही है, ये भी सही किया है। अच्छा डिपेंडेंट सी हमने पास नहीं की, वो पास कर देते हैं और यहाँ हम देते हैं टाइमर। ठीक हो गया, अब देखते हैं। देखें काम तो कर रहा है लेकिन कौन सा इश्यू है वो भी देखते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल अब सही काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम नीचे अब शो करेंगे, जैसे ये जो इसमें कंडीशन लगाएंगे किस तरीके से शो करना है हमें। ठीक है, अब जो ये टाइमर है ये कब चले, कहाँ पे टाइमर, ये टाइमर तब चले जब हम चाहें, क्योंकि जैसे वर्ड हम इनपुट करें उसके बाद चले, पहले ना चले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास अल्फाबेट है, ठीक है, ये अल्फाबेट है तो चले वरना ना चले। ठीक है, अगर ये अल्फाबेट है तो टाइमर चले, वरना क्या करे, वरना जो हमारे 59 सेकंड है वो शो हो। ठीक है, अब देखें, अब बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा अब टाइमर चल रहा है, हमारे वर्ड भी काउंट हो रहे हैं, ये टाइमर भी चल रहा है।